Sorry, kittens, only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर, मैं पार्क व्हील्स रैली ड्राइवर गैरेज टूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एक हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जितने पाकिस्तान में रैली फ्रेटर्निटी है, जितने लोग हैं जो रैली से वाबस्ता हैं, उनके गैरेज का आपको एक टूर कराएँ, उनसे आपकी मुलाकात कराएँ और देखें कि उनका जो पैशन है वो उसको किस तरह हमसे शेयर करते हैं या किस तरह उन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया था। आज हम बावलपुर में मौजूद हैं, टीम एशिया के जो एशिया गैरेज है उधर मौजूद हैं, ज़ैन महमूद साहब हमारे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे ये थोड़ी बहुत स्टोरी उनसे पूछ सुने कि उनका जो जर्नी है रैली का वो कैसे शुरू हुआ और आज वो जो है उसको आगे पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स और रैली की खास तौर पे फ्यूचर को कैसे देते हैं। तो थैंक यू ज़ैन फॉर गिविंग योर टाइम। और हम सबसे पहले अपने ऑडियंस के लिए पूछना चाहेंगे कि जो आपने रैली शुरू की थी किस एज में शुरू की, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं बताना चाहूँ ऑडियंस को तो लास्ट ईयर में अगर मैं देखूँ तो जितनी पाकिस्तान में रैलीज होती हैं उनमें टॉप ऑडियम में आपका नाम ज़रूर नज़र आया मुझे और बड़े अरसे से नज़र आ रहा है, लेकिन हाउ इट स्टार्टेड, किस एज में शुरू किया और कैसे ये पैशन शुरू हुआ? रैलिंग तो मैंने अपनी पहली रेस जो है वो 2014 में की थी। ठीक है, लेकिन पैशन जो है ये बहुत पुराना है बिकॉज भावलपुर से ताल्लुक़ है और चोलिस्तान बचपन से आना जाना है और वालिद साहब को भी शौक रहा और सिंस 2005 ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीज रेसेज और ट्रैक वगैरह उन्होंने हमेशा जो है वो 2005 से भावलपुर 4x4 क्लब की तरफ से बनाया है। तो मैं साथ जाता होता था, तो उसके बाद मैं एजुकेशन के लिए यूके चला गया, तो आई केम बैक इन 2014 और मतलब मैं जिस दिन आया उससे 10 दिन के बाद रेस थी। तो मैं वालिद साहब के दोस्त हैं, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑफ रोड रेसर सरफराज धांजी साहब, मैं उनके पास कराची गया और मैंने उनको कहा जी मैंने रेस करनी है, जो गाड़ी खड़ी थी वो मैं ले आया, रातों रात रोल केज बनाया और बल्कि हमारे लास्ट मिनट मुझे हेलमेट नहीं मिल रहे थे तो आई हैड टू गेट सम सब स्टैंडर्ड हेलमेट्स फ्रॉम भावलपुर। तो बस हैप हैज़र्ड में मैंने रैली की और 2014 में जो हमारे साथ हम रास्ता भी भूले क्योंकि नेविगेशन इशू, डेजर्ट हर तरह से आप पहचान नहीं सकते बिकॉज यू आर न्यू, तो हम थर्ड आए। तो पहली रैली में हमने पोडियम ले लिया। आई थिंक दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट बिकॉज हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो हमने कहा कि यार वी कैन डू इट, मतलब हम पहली दफ़ा आए हैं और इतने मैसअप के बाद हम यहाँ पहुँचे तो वी कैन डू इट। तो कैटेगरी कौन सी थी? स्टॉक, बी स्टॉक। ठीक है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया जी, फिर झलमक्सी में सी स्टॉक में गया। वी मतलब उस टाइम पे जो है वो इतना आइडिया नहीं था, इक्विपमेंट इतना हाई लेवल नहीं था, तो हमने एआरबी के शॉक्स डाले, उसी गाड़ी पे भावलपुर से निकले, वहाँ गए जाके रेस की और उसी गाड़ी पे वापस आ गए और वहाँ पे भी मेरा पोडियम आ गया। तो दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ स्टार्टेड, मतलब हमने और स्टार्ट करते करते माशाल्लाह मैं सबको बताना चाहूँगा कि 2019 में मेरा ख्याल है आपने झलमक्सी विन किया टॉप, तो इस लिहाज से ये पैशन जो है आपका, नहीं अगर सफ़र हम देखें रैली का तो 2014 से लेकर 20 तक 6 साल के अंदर स्पैन जो है वो है और पाकिस्तान में भी रैली सीन में इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आई हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, चीज़ें बहुत एडवांस हो गई, जैसे मैं भी आपके यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे भी लोगों को गैरेज में कि आप लोगों ने जितना इक्विपमेंट लगाया हुआ है किस तरह कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं अपने यूज़ के लिए अब आपके हम ज़रा गाड़ियों का उनको टूर कराते हैं, तो ये कौन सी मशीन है इसके बारे में, ये मेरा ख्याल अभी आपने नई मंगाई है जी? ये शेवरले की सिल्वराडो है, सिंगल कैबिन 5.3 लीटर V8। इसका जो ये हुड है ये फाइबर ग्लास है, दिस इज़ वन पीस मेड इन अमेरिका और मेथड के व्हील्स डले हुए हैं, इसके अंदर लॉन्ग ट्रैवल किट डली हुई है विद किंग शॉक्स, इसके 3 इंचेस डायमीटर के 2 शॉक्स हैं, इट हैज़ 16 इंचेस ऑफ ट्रैवल इन द फ्रंट, सो अगर आपका कोई डिप आता है 16 इंचेस तक तो यू विल नॉट लीव द ग्राउंड, नॉट लीविंग द ग्राउंड मीन्स यू हैव मोर ट्रैक्शन मोर कंट्रोल। दिस इज़ माई प्री रनर एक्चुअली, दिस इज़ नॉट माई रेस ट्रक। तो मेरा ख्याल था कि मैं रैकी और बाकी चीज़ें इस पर करूँगा, माई रेस ट्रक इज़ करंटली बींग बिल्ट एट DMZ फैब इन अमेरिका, द सेम गाय हु बिल्ट नादिर मक्सी साहब रेड टैकोमा, तो वो गाड़ी इंशाल्लाह आई थिंक विद इन 2 मंथ्स वहाँ से डिस्पैच हो जाएगी। ये जी 2007 की 100 सीरीज़ है और इसके अंदर किंग्स के ऑफ रोड शॉक डले हुए हैं, आयरन मैन के जो है इसके अंदर टॉर्शन बार डले हुए हैं, तो इट इज़ ऑल्सो इक्विप्ड, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आपने सिर्फ जो है वो
कच्चे में थोड़ा सा जाना है, ज़्यादा नहीं जाना। तो आई टेक इट, मतलब इसके ऊपर बड़ा कंफर्टेबली हम जा सकते हैं और लोगों को भी, लोग भी चला सकते हैं, और एक अच्छी क्रूज़र है विद अ लॉट ऑफ ऑफ रोड केपेबिलिटी। तो ये आप मतलब इसको रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल करें? मैं इसको डेली ड्रिवन, मेरी गाड़ी है, और आई ऑल द अदर डेली ड्रिवन आई हैव अदर देन माय लैंड क्रूजर 200 सीरीज, उन सब में मैंने किंग्स डाला हुआ है, क्योंकि अब मुझे किंग्स के बगैर मज़ा ही नहीं आता। आपने मतलब दिस इज़ लाइक इट इज़ अल्टीमेट ऑन द रोड, आपकी गाड़ी का स्वे ख़त्म हो जाता है और आपकी गाड़ी बम्प बहुत अच्छे लेती है, एट द सेम टाइम यू कैन गो ऑफ रोड एंड द कम्फर्ट। अच्छा, वैसे मुझे पता था कि आप लोगों ने एक टीम एशिया के नाम से यहाँ पे एक सेटअप भी शुरू किया है और आप लोगों की भी हेल्प करते हैं, और किंग्स के मेरा ख्याल आप लोग ऑथराइज डीलर भी हैं। जी, हम किंग्स के ऑथराइज डीलर बन चुके हैं। द रीज़न टू डू दैट वॉज नॉट कि हम मतलब इसके साथ कोई बहुत ज़्यादा मोनेटाइजिंग करेंगे, हमारी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और लोगों को रेफरेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं किंग्स शॉक्स लेने के लिए, और लोगों को ये नहीं पता कि दीज शॉक्स आर फॉर लाइफ एंड दे हैव रीसेल वैल्यू। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई सस्पेंशन डाल दें, नाउ इट्स योर्स, और इसको कुछ आप बेच नहीं सकते। किंग शॉक का एवरी पार्ट इज सर्विसेबल, इसके अंदर शिम्स हैं, इसके पिस्टन हैं, इसकी शाफ्ट है, एवरीथिंग इज सर्विसेबल। एंड यू गाइस डू सर्विस हियर आल्सो? हमने अमेरिका से उनके बंदे जो आए थे लास्ट ईयर रेस पे, हमने उनसे ट्रेनिंग ली है, दुबई वाली टीम से ट्रेनिंग ली है, वी हैव डन मोर, वी हैव रीबिल्ट मोर देन 100 शॉक्स। अच्छा, तो हम इस वीडियो के नीचे लिंक भी लगा देंगे आप लोगों का अगर कोई पेज है उसका, ताकि अगर किसी ने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ली तो ले ले। जरूर। ठीक है, ये अगली मशीन जो मुझे नजर आ रही है बहुत खूबसूरत मशीन है, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अगर कोई भी गाड़ी रीबिल्ट करता है ना, तो दिस इज़ द मशीन जिसकी जो हर एक के जहन में आता है कि हमने आर के आर तैयार करना है। 70 सीरीज जो है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 सीरीज, ये 79 सीरीज है जी, 79 सीरीज जो है इसको जो तैयार करना है, बट ये इसमें बड़ा यूनिक सी गाड़ी है और ये हमें खास तौर पे बहुत कम नज़र आती है, इसके बारे में अगर बताना चाहें कि इसमें क्या क्या खासियत है। ये जी हम आई कॉल इट माई टॉय हॉलर बिकॉज इसके 4.2 लीटर डीजल इंजन है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ टॉर्क, इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस है, तो इसके अंदर सामान रख के तीन बंदे अंदर बैठते हैं, इट ऑल्सो टोज माई रेस ट्रक। तो ये रैली के अगर आप लेके जाते हैं तो आपके लोग, तीन लोग इसमें बैठ जाते हैं अंदर। मैनुअल गाड़ी है, 4.2 डीजल, तो इसका टॉर्क इतना ज़्यादा है, और इट हैज़ लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक, मतलब डुअल फ्यूल टैंक है, तो आपको जो है ये सारे इश्यूज जो हैं वो नहीं आते रिफ्यूलिंग के, गंदा फ्यूल डल गया हाईवे पे, आप कहाँ जा रहे हैं, तो और आपके पूरा स्टाफ और आपकी इसमें सामान वगैरह की जगह भी बहुत ज़्यादा, तो सामान वगैरह रख के रैली पर लेके जाने ले जाते हैं बिल्कुल आराम से, और ये पूरा सामान लेकर भी ये चोलिस्तान की मिड ब्रेक तक बहुत आराम से जाते हैं। और इसके अलावा बताते हैं कि इसको आप टोइंग के लिए भी यूज़ करते हैं? जी, इसके पीछे देखें टो हुक लगा हुआ है, इधर हम ट्रॉली अटैच करते हैं, देन उसके ऊपर रेस ट्रक लोड करते हैं। अच्छा, तो इसमें इतनी पावर है कि ये इतने सामान तीन लोगों के बाद रैली ट्रक भी लेके जाता है? बिल्कुल, ये इसके अंदर वो इंजन है जो यूएन वाले भी अपनी जो एक्सट्रीम गाड़ियां हैं उनके अंदर यूज करते हैं, तो इट डजंट हैव एनी टर्बो बट इट हैज अ लॉट ऑफ टॉर्क, तो ये टॉर्क की वजह से ही जो है वो हर चीज़ को खींच के ले जाती है। अच्छा यूज़र, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये गाड़ियाँ अभी आपको कंप्लीट फॉर्म में नज़र आ रही हैं और आपको लग रहा है कि शायद बड़ी इजी गेम है, अब हम आपको दूसरी साइड पे लेके चलते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, और आपको पता लगेगा कि ये एक बहुत बड़ा नर्व रैकिंग, एक जिसे कहते हैं सिस्टम है, और एक पूरा एक एक्सपीरियंस है जिससे आप गुजरते हैं, हर रोज़ आप गाड़ी में कोई ना कोई नई इटरेशन करते हैं, कोई नई चीज़ डालते हैं, तो हम इस साइड पे दूसरा शेड है वहाँ पे चलते हैं। तो व्यूअर, ये टकोमा यहाँ पे है, जैन ने इसके ऊपर लास्ट जो है जलमक्सी रैली जीती थी, इस टाइम पे इधर आपको थोड़ा बोन स्टॉक हालत में नज़र आ रहा है, बट मेरा ख्याल इस पर कोई मॉडिफिकेशन चल रही है, तो आप बताएंगे जैन इसमें क्या इंजन था पहले, अब आप इसको किस प्रोजेक्ट पे लेके जा रहे हैं, और कितना इस गाड़ी के साथ आपको कितना टाइम गुजर चुका है, व्हाट्स द रोमांस विद दिस कार? ये जी मेरी ए प्रिपेयर्ड की पहली गाड़ी है, एंड इट हैज़ बिन माय लकी ट्रक, जो गाड़ी, जो रेस मैंने इस गाड़ी के ऊपर की है, आई बिन ऑन अ गुड पोडियम ऑन दिस ट्रक। सही है। और ये 4 लीटर सुपरचार्ज्ड इंजन के साथ थी। ठीक है। और इसके अंदर अब 5.7 V8 टंड्रा का स्वैप कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हो रहा है। हाँ जी, उसके लिए भी इंस्टॉल्ड न्यू फ्यूल टैंक, इसके अंदर एक फोम होता है जो कि फ्यूल को जो है वो छलकने से रोकता है, और इन केस ऑफ हैजर्ड जो है वो उसको कंट्रोल भी करता है फायर को। अंदर से अगर हम दिखा सके तो इसके अंदर ये जो रोल केज लगा हुआ है ये बहुत स्ट्रांग है, उसके नीचे जो उसका फ्लोरिंग है वो भी सारी रीबिल्ड की जा रही है। फिर इस तरह जैन ने बताया कि 5.7 इंजन डाल रहे हैं, तो उसके लिए पूरी आप इसके यहाँ पे देखेंगे जैन, ये यहाँ पे इसका क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? ये इस टाइम पे जी ये हमने जो इसका नीचे गेयर बॉक्स लगाया है वो इस गाड़ी की उससे बड़ा है, मतलब जो जगह थी, तो हम उसकी अभी निकाल रहे हैं कि हम ये कितनी हमें क्लियरेंस चाहिए उस गेयर बॉक्स के लिए। सही है। तो वंस वी हैव दैट, इसके ऊपर फिर हम एक खूबसूरत सा कंसोल बनाएंगे, तो दिस इज जस्ट रफ राइट नाउ। ठीक है।
और इसमें फॉक्स की सस्पेंशन है जी, इसके अंदर फॉक्स की सस्पेंशन है विद टोटल क्रॉस लॉन्ग ट्रेवल जो 3.5 इंचेस वाइड है ऑन ईच साइड। सही है। और ये पहला ट्रक होगा पाकिस्तान का जो कि फुली केज्ड है। सही है। मतलब इसकी जो रोल केज है दैट इज टाइड टू योर बॉडी, इट इज नॉट बोल्टेड लाइक एवरीवन इज डूइंग इन पाकिस्तान। दुनिया का स्टैंडर्ड भी यही है और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है विद आर पार्टनर्स इन यूएसए, जिन्होंने हमें एडवाइस किया ऑन द मेजरमेंट्स, ऑन द मेटलर्जी एंड ऑन द वेल्डिंग। तो मैंने फील किया है कि वंस आई हैड दिस रोल केज इन, सेफ्टी वाज इंप्रूव्ड बाय 100%। मतलब सेफ्टी पे तो कोई दूसरी बात है ही नहीं है। उसके अलावा जो इसकी हैंडलिंग और इसकी जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है वो भी इंप्रूव हुई है बिकॉज इट डजंट हैव द स्टॉक फ्लेक्स एनीमोर। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम यूजर्स के लिए पूछने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोजेक्ट है जो कि छोटा बहुत प्रोजेक्ट नहीं है, बट फिर भी एक इस टास्क को आपने शुरू किया होगा, तो आपके ख्याल से हाउ मच टाइम वुड इट टेक? इट कैन टेक ऑल द टाइम दैट यू हैव। मतलब जब मैंने गाड़ी शुरू की थी, ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा गाड़ी लें और बनती जाए, इट इज़ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग और आप भी कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं। तो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी और उसके बाद जो पहली रेस भगाई थी, आई थिंक इट्स नो लॉन्गर द सेम ट्रक। सही है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रूव करते रहते हैं, उस पर टाइम लगता रहता है, बट आई गेस इनिशियली इफ़ यू वॉन्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ अ ट्रक, तो इट कैन टेक फ्रॉम एनी वेयर टू 6 months टू अप टू 12 months। तो जैसे अब आपने इसका यानी पूरा सेटअप चेंज करें ऑल टुगेदर, आप समझ लें कि ओवरऑल जो है इसका आप सब कुछ ही चेंज कर रहे हैं, तो ये साल लग जाएगा? ये साल लग जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर फ्रॉम स्क्रैच शुरू करें, ठीक है, और ये सारा कुछ करें तो इट शुड बी डन इन अ ईयर। अच्छा, वो तो एक वर्क इन प्रोग्रेस व्हीकल थी, अब ये एक कंप्लीट व्हीकल है, हम आपको दिखाते हैं। तो जैन, ये गाड़ी जो है इसकी थोड़ी डिटेल बता दें यूजर्स के लिए, और हम फिर इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं कि फिनिश फॉर्म में गाड़ी इतनी मेहनत के बाद कैसे आती है और क्या उसकी आउटकम है। ये जी मेरे वालिद साहब की रेस व्हीकल है, दिस इज़ अ 2.4 लीटर रिवो। ये थाईलैंड से इम्पोर्ट की है क्योंकि पाकिस्तान में तो 2.4 आती नहीं है, तो उधर से जो है ये 155 BHP स्टॉक आई थी, तो इसके अंदर हमने जो है वो मॉडिफिकेशंस की हैं, तो आई एम गेसिंग इट शुड बी अराउंड 200 BHP। और ये प्रिपेयर्ड, ये सी प्रिपेयर्ड के अंदर जाएगी। इसका जो फ्रंट बम्पर है, अगर आप इसको यहाँ से देखें, तो हमने इसके नीचे क्रॉस मेंबर्स रिमूव किए हैं और इसका बम्पर बनाया है विद अ हायर एंगल, तो इससे ये है कि जब गाड़ी उठ के नीचे लगती है, फ्लाइट लेती है, तो ये स्लाइड होती है रादर देन अ बम्प। ठीक है। तो इससे जो है वो क्लियरेंस भी अच्छी हुई है और गाड़ी के चेसी को झटका भी नहीं लगता है, एंड इट इज़ फुली रीइंफोर्स्ड। अगर साथ आप देखें तो ये टोटल केओस अमेरिकन कंपनी है, इसके लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन लगी हुई है और किंग्स की सस्पेंशन, बिल्कुल किंग्स के ड्यूअल शॉक्स लगे हुए हैं, बट जैसे सिल्वराडो में आपने देखा है, दिस हैज 2.5 शॉक्स रादर देन 3.0। तो और इसके स्पिंडल्स रीइंफोर्स हुए हैं, और ये इसके अंदर ईवो कोर्स के यूरोपियन व्हील्स लगे हुए हैं और टोयो टायर्स लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि व्हील्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट येट मोस्ट इग्नोर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ रेस ट्रक, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें गाड़ी पे और आपका व्हील जो है वो आपको धोखा दे जाए, तो आपका इंजन किसी काम का नहीं, ना आपका ना इंजन काम का है, ना आपकी सस्पेंशन काम की है। तो टायर्स लोगों ने, हमने देखा है कि चाइना के रिम लगाए, बड़ा जंप लगा, या रिम टेढ़ा हो गया, या टूट गया, या टायर अच्छे नहीं लगाए, वो फट गया, खासा बड़ा फेटल है वो, तो मतलब आप अपने आप को खुद खतरे में डाल रहे हैं। हमने ऐसी इवेंट्स देखे हैं कि गाड़ी सीधी जा रही है और पिछला टायर दूर निकल के हमें नजर आ रहा है कि जी वो जा रहा है। मेरे साथ चोलिस्तान में हुआ था, मेरा टायर निकल गया था, वो खैर चाइनीज की वजह से नहीं था, लेकिन वो वैसे उसका इशू था, निकल आया था। अच्छा, इसके इंटीरियर से भी दिखा देते हैं ताकि लोगों को नजर आए कि आफ्टर जो भी हमने देखा था कि वर्क इन प्रोग्रेस था, फाइनल कंप्लीट फॉर्म में एक रैली ट्रक अंदर से कैसा होता है। ये जी OMP की रेसिंग सीट्स हैं, रेसिंग स्टीयरिंग व्हील है, 6 point हार्नेसेज हैं, और ये जो हमने इसके अंदर रोल केज लगाया हुआ है, ये एक्चुअली वेल्डेड विद द फ्रेम नहीं है, ये लेकिन हमने बड़ी हाई क्वालिटी के पाइप्स यूज़ किए हैं, सीमलेस पाइप्स, और उसके अंदर हमने जो है वो सरिये के जो है आप समझे कि ये लगाए हुए हैं, काट के बोल्ट्स आपस में लगाए हुए हैं फॉर स्ट्रेंथ। पीछे से जो है इसके अंदर ये जो बेड केज है, ये हमने खुद बनाया, दिस इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन ट्रक्स, और ये इसके पीछे दो जो है हमने टायर्स इस तरह से इसलिए लगाए हैं बिकॉज जब आप रेस में होते हैं तो एवरी मिनट एवरी सेकेंड काउंट्स, राइट? तो आप यहीं से फ़ौरन इसको रैचेट से रिमूव करेंगे और अपना जैक उठाएंगे और रिप्लेस करके यहीं रखेंगे, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वर्किंग एज हैंग वेट। तो ये आपकी गाड़ी को जो पीछे से गाड़ी बक करती है तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, तो ये मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ थिंग है। ये हमने
जो है ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि हम जो गाड़ियों के स्टॉक डाले हैं इनको काट के रखते ये लगाते हैं फॉर एडेड वेट इन द बैग. नॉर्मली पहले ट्रेंड ये था फाइबर लगाओ और बस वजन खत्म करो, बट इट डजंट वर्क दैट वे. गाड़ी के शॉक पे कोई वेट होगा तो शॉक भी काम करेगा ना. ठीक है. अच्छा, अब ये गाड़ी जो एक अब हम लोगों को तैयार नजर आ रही है अगेन अपने ऑडियंसेस के लिए, इसको इस तरह की हालत में लाने के लिए एक स्टॉक व्हीकल से कितना टाइम लगाओगे? जो ये वाली गाड़ी है इट कैन बी डन इन 4 to 6 months. तो जैन, जिस तरह आपसे बात हो रही थी कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में एक बड़ा इशू होता है खासतौर पर जब ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अगर आप बीच में फंस जाएं तो जो पार्ट्स का डिले है और खासतौर पर जितना भी सिचुएशन है कोविड की कि पार्ट्स आ भी नहीं सकते, तो उसको आपने बताया था कि ओवरकम आप कैसे करें. आपका मैं पार्ट स्टोर देख रहा था, उसमें कितनी आपने भी जिसे कहते हैं स्टॉक रखा हुआ है, किस तरह आप इसको मैनेज करते हैं? स्टॉक तो हमने एक सर्टेन लेवल के ऊपर रखा था प्री कोविड, बिकॉज वी डिडंट रियलाइज के कोविड इतना लंबा चलेगा. तो कोविड की वजह से अभी हम भी काफ़ी सारे स्टॉक के ऊपर शॉर्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, हाँ जी, टायर्स वगैरह. ये टायर्स मोस्टली वो हैं जो डिफरेंट टेरेन के हैं, क्योंकि वी हैव 3 to 4 रेस व्हीकल्स इन आर टीम, तो उसके लिए आप समझें कि 3 to 4 मड टेरेन एंड ऑल टेरेन सेट्स, तो दैट अकाउंट्स फॉर मे बी आई थिंक 50 or 60. तो इससे मेरा ख्याल सस्पेंशन पार्ट्स पड़े हुए हैं जी. ये टोटल क्योस के कुछ ये सारे स्पेयर्स हैं अगर आपको, ये स्पेयर्स हैं, हाँ जी, ये स्प्रिंग स्पेयर हैं. उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ये मेरी जो पुलारिस है जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उसके भी स्पेयर टायर मेरे पास पड़े हुए हैं, और मेथड के व्हील्स पड़े हुए हैं हमारे पास. तो ये ऊपर वाले सेक्शन में हमारे पास व्हील, टायर और सस्पेंशन का ज्यादा सामान है, हाँ जी. नीचे आपके पास यहाँ पे एक तो ऑयल्स नजर आ रहे हैं सारे, हर किस्म के ऑयल्स हैं जी. हमने जो है वो ले ली है डीलरशिप यूरोल की, तो यूरोल इज अ वेरी गुड यूरोपियन ऑयल मेड इन हॉलैंड, तो ये हमने मंगवाए हुए हैं. और कुछ और ऑयल्स हैं, एम्स ऑयल है वो हमने मंगवाया बाहर से. इसके अलावा किंग शॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर न्यू शॉक्स, सम ऑफ देम आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन माई ट्रक्स, उनके अंदर स्टॉक शॉक्स पड़े हैं, लेकिन वी ऑल्सो हैव न्यू स्टॉक्स अवेलेबल. उसके आगे आप देखेंगे तो हमारे पास स्पेयर इंजन पड़े हुए हैं. वो इंजन जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो उनकी क्या वजह? मैं जब बी प्रिपेयर्ड में होता था ना जी, तो उस टाइम पे वी हैड मैनी इंजन प्रॉब्लम्स. डीजल गाड़ियों का आपको पता है एक दफ़ा इंजन जो है वो छिड़ जाए तो उसमें बड़े इशूज आ जाते हैं. तो आई यूज टू कैरी अ स्पेयर इंजन एंड स्पेयर गेयर बॉक्स टू एवरी रेस. अच्छा, तो ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि कहीं भी हमें टर्बो की जरूरत पड़ जाए कहीं पे, इट हैज़ हैपेंड कि मेरे क्वालिफाइंग में मेरा गेयर टूट गया गाड़ी का, क्वालिफाइंग में, गवादर में, और मैंने क्वालिफाइंग के फौरन बाद वी वर लकी, मतलब गवादर में गेयर बिल्कुल, तो रेस हमारी बच गई एंड वी एक्चुअली वर ऑन द पोडियम ऑन दैट रेस, वी केम फर्स्ट एक्चुअली ऑन दैट रेस. अच्छा, ये तो सारा हमने देख लिया, मेरा ख्याल है ये सारा हार्डवर्क का जो रिजल्ट है अब आपको वो भी दिखाते हैं जो आपका ट्रॉफी रूम है, और उसका डिस्कशन थोड़ी करते हैं कि आपने कौन कौन से पोडियम लिया. तो यहाँ पे काफी सारे ट्रॉफीज हमें नजर आ रही हैं, एक क्या इंडिविजुअली हर एक का जिक्र करना तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा, लेकिन आपकी मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट जो है वो ये दो हैं. ये जी, जब मैं लास्ट ईयर झलमक्सी में फर्स्ट आया था ए प्रिपेयर्ड में, तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं बीइंग अ रेसर और ए प्रो में फर्स्ट आना इज द रेसर्स ड्रीम, इज द टॉप. जितने आपके कंटेस्टेंट भी कहते ना कि मतलब ऐसा नहीं था कि रेस में लोग नहीं थे, तमाम लोग मौजूद थे और बड़े बड़े नाम मौजूद थे, और उनमें एक यंगस्टर का आप जैसे मुझे याद है झलमक्सी में आप और मैं मिले थे, आपका अगले दिन रेस थी, मैं वापस जा रहा था तो आपने कहा कि जी दुआ कीजिएगा, और अगले दिन न्यूज आई थी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी न्यूज थी. तो एक आपने दुआ की होगी, आपने भी कहते थे की थी, रिजल्ट आपके सामने है. अच्छा, तो इसमें आप विनर भी आए थे और फास्टेस्ट टाइम भी आपका था. जी, दिस ट्रॉफी इज फॉर एफटीडी और ये ए प्रो के फर्स्ट. और इसके अलावा मेरा ख्याल है आपके पास इतनी ज्यादा ट्रॉफी है, मेरे पास तो इतनी जगह नहीं, अगर मैं जिंदगी में ट्रॉफियां ले भी सकूं तो रखूंगा, लेकिन माशाल्लाह इट्स द हार्ड वर्क विच पेज ऑफ. हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं आपको डिफरेंट ट्रॉफीज हैं, और अगेन एट द एंड ऑफ द डे जितना आप अपने हाथ गंदे करते हैं, आप इतना शौक पैशन केयर कर, मेरा ख्याल है उस पैशन को अगर हम देखें ना, फाइनल रिजल्ट जो है वो एक रेसर के लिए लोग हमेशा पूछते हैं जी प्राइज मनी कितना है, मैं कहता हूँ यार प्राइज मनी काउंट नहीं करता, दिस इज वॉट एवरीबडी इज रनिंग फॉर, कि जो एक इसकी एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक वैल्यू आती है ना जीतने की, वो मेरा ख्याल है कोई भी प्राइस जो है उसको पूरा नहीं कर सकता. बिल्कुल, वी डोंट रन फॉर प्राइस मनी, लेकिन प्राइस मनी डजंट इवन कवर हाफ ऑफ आवर कॉस्ट. सही है, ठीक है, तो प्राइस मनी इज जस्ट अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अस, पर असल चीज जो है वो जो आईज होती हैं वो ट्रॉफी के ऊपर होती हैं, या
FTD की ट्रॉफी के ऊपर होती है। मैंने बी प्रिपेयर्ड में रहते हुए भी दो FTD की ट्रॉफीज ली हैं। वो मेरा ख्याल है बड़ी बात है अगर बी प्रिपेयर्ड में आप अगर मतलब ए को भी बीट कर रहे हैं FTD लेके आ रहे हैं। तो रैली की कार्स के अलावा भी हम जैन के साथ उनके घर आए हैं और हम देख रहे हैं कि नॉर्मल एवरीडे लाइफ में वो कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो रैली की मशीन्स हैं वो तो एक्सट्रीम मशीन्स हैं, उनके अंदर जितनी एडवांसमेंट है वो एवरीडे डेली ड्रिवन कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। सो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है जैन साहब की कलेक्शन में काफ़ी ऐसी गाड़ी हैं जो कि आम बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडर हैं, जिस तरह रैप्टर नज़र आ रहा है। सो इस पूरी कलेक्शन में से जैन आपकी फेवरेट कौन सी है और हमें बताएंगे कि क्या क्या किस गाड़ी की परचेज़ के पीछे क्या रीज़न थी? आप देखें जी, गाड़ियों के जो एंथुजियस्ट होते हैं उनकी हर गाड़ी के पीछे एक स्टोरी होती है और सारी फेवरेट होती है। बिल्कुल ऐसी ही। तो अब इधर जो है मेरी डेली ड्रिवन जो है वो लैंड क्रूज़र होती है, बिकॉज यू नो कि पाकिस्तान में जो है वो लैंड क्रूज़र से ज़्यादा इफेक्टिव और रिलायबल चीज़ कोई नहीं है। बाकी जो है वो FJ जो है, ये मेरा ख्याल है वही FJ जो आप आज से 2 साल पहले सरफरंगा भी लेके आए। बिल्कुल वही गाड़ी है जी, उस टाइम ये ब्लैक कलर में थी, अब मैंने ये कराची से रैप कराई है और उसका फेसलिफ्ट किया है। बट दिस इज़ द मोस्ट स्टॉक व्हीकल दैट आई हैव। नॉर्मली जो गाड़ी लेता हूँ उसको मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन दिस इज सस्पेंशन इज स्टॉक एंड एग्जॉस्ट इनटेक कुछ भी नहीं है। सो इट्स अ स्टॉक व्हीकल, बस ये क्योंकि अब आपको पता है FJs जो हैं वो अब पीछे से आनी बंद हो गई हैं, तो इट्स लाइक ए कलेक्टर आइटम फॉर अस नाउ। तो उसके अलावा जो है ये अब क्योंकि मोटरवे हमें मिल गई है, तो पहले तो हम इस इलाके में भावलपुर में गाड़ी चलाना जो है वो ज़्यादा इतना प्रेफरेबल नहीं था, लेकिन अब ये मैं देख रहा हूँ कि जीप के बाद एक नई एडिशन है, ये पहले नहीं थी। ये पहले नहीं थी, मैंने कभी कार रखी भी नहीं है। मेरे वालिद साहब को हमेशा जो है ई क्लास का शौक होता था, तो अब हमने ये E300 ली है। तो आजकल ये थैंक्स टू मोटरवे, थैंक्स टू मोटरवे हमने ये गाड़ी ले ली है। ठीक है, तो ये भी लेटेस्ट एडिशन है। बाकी क्रूजर के अलावा ये मुझे एक रैप्टर नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि मेरा ख्याल ये नया एडिशन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कौन सा इंजन है, क्या मॉडल? 2017 रैप्टर है और इसके अंदर 3.5 ट्विन टर्बो इको बूस्ट इंजन है जी, 450 BHP एंड आई बिलीव इट हैज 510 फुट पाउंड ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ये जो कलर है दिस इज एवलांच ग्रे, ये 17 में लिमिटेड टाइम के लिए आया था। सही। तो बस मुझे ये समझें कि ऑफ रोडर्स ड्रीम जो है वो ये गाड़ी है। और ये मेरा ख्याल है भी ये रिसेंट आपकी जो है गाड़ी एक्वायर्ड उनमें से है जी, ये मैंने अभी तकरीबन 2 महीने पहले ली है। सही। अच्छा, ये सारी 4 व्हील मशीन्स में और कार्स के दरमियान मुझे 2 व्हीलर नजर आ रहा है, इसका भी शौक है? इसका जी मुझे शौक बड़े अरसे से था, लेकिन वाले साहब कहते थे कि जी 2 व्हीलर जो है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान में, पर अब somehow I have convinced him कि नहीं जी आप आराम से भी और सेफ तरीके से भी 2 व्हीलर चला सकते हैं। सही। तो मैंने ये द हार्ले डिस्ट्रिक्ट कराची से मैं गया तो ये बाइक मुझे बहुत पसंद आया। दे हैड मैनी अदर बाइक्स बट आई रियली लाइक दिस वन। दिस इज कस्टम 1200 लिमिटेड एडिशन। ये जो इसका कलर है और ये सारे इसके ट्रिम है, ये इसी 2013 में जो लिमिटेड एडिशन आया था ये उसी में आए थे। तो ये बाइक बड़ी लो माइलेज और अच्छी बाइक मुझे मिल गई, तो उस टाइम द ओनर वाजंट सेलिंग इट, सो आई हैड टू वेट 4 months अंटिल ही डिसाइडेड ही वांट्स टू सेल। तो अब इसको यहाँ पे राइड करते हैं खाली एज ए डिस्प्ले? मैं इसको राइड करता हूँ जी अभी। अच्छा। तो अब मौसम बड़ा हार्श है, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है तो हमारे 2-4 और दोस्त हैं, कुछ मुल्तान से दोस्त भी आ जाते हैं, तो वी ट्राई। अभी अगला प्लान हमारा ये है कि हमने फोर्ट द्रावड़ इन बाइक्स पे जाना। सो मतलब ये आपकी डेली ड्रिवन गाड़ियाँ हैं और इनको आप नॉर्मल चला सकते हैं, बट जो रैली वाली गाड़ी है उनके लिए मेरा ख्याल है आप ज़्यादा टाइम निकालते हैं और उसके ऊपर स्टडी भी करते हैं बकायदा। बिल्कुल, वो तो आप समझें कि पैशन है। वैसे मैंने एक भी बात सुनी है, मेरा ख्याल है वो भी आप बता भी सकते होंगे, इस पूरे एरिया के लिए साउथ पंजाब में आप तक तो समझे टीचर हैं लोगों के, अगर गाड़ी किसी ने बनानी हो तो आप उनकी हेल्प भी करते हैं कि जी आप गाड़ी डिज़ाइन करने में और उनको काफ़ी गाइड भी करते हैं? कोशिश तो करते हैं कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है कि इसको जितना आगे से आगे लेके जा सकें, जितनी न्यू कमर्स की हेल्प कर सकें, क्योंकि आई नो कि जब मैं नया आया था तो मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए थे और किस किस तरह जो है वो हमें लेफ्ट राइट जा के चीज़ों का पता लगा था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब न्यू कमर्स आके बात करते हैं और उनको गाइड करने में, ताकि वो भी एक अपना अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकें और हम भी स्पोर्ट को आगे ले। मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो इन्फॉर्मेशन एक आम बंदे को जो कि घर पर बैठा हुआ है जो भी ये वीडियो भी देख रहा है उनको नहीं मिलती, और किसी को अगर कोई एस्पायर करता है तो हमारी भी इस सीरीज से कोशिश ये है कि लोगों को पता लगे कि किस किस तरह चीज़ें हो सकती हैं, या अगर आप वो देखें कि मतलब ऐसे लगता है कि जब अगर आप नहीं आए थे रैली में तो आपको भी लगता होगा शायद ये एक बहुत बड़ा बैरियर जो मैं क्रॉस नहीं कर सकता, बट जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं नाउ यूर हेयर एंड एक्सपर्ट, मैं आपको यानी कर देखें तो मैं भी अभी रस्ते में बात भी कर रहा था किसी से कि आप बहुत से छोटे टाइम के अंदर आपने एक तो अपने इस रैली की गेम के अंदर अपने आप को बड़ा पॉलिश किया है, अपनी पोजीशन बनाई और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये मेरा मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए जो के देखते हैं और उनको लगता है कि यार ये बहुत कोई मुश्किल काम है, हम रैली नहीं कर सकते, या ये बहुत एक लोगों के अंदर एक जो है ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत पैसे वाला खेल है। ज़रूरी नहीं है, यू कैन स्टार्ट स्मॉल, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ट अप करके, पहले आप एक कैटेगरी में हैं, दूसरी में हैं, तीसरी में हैं,
स्टॉक में आए, फिर उसको मैंने भी सी स्टॉक से स्टार्ट की थी। सही है। तो सी स्टॉक से ए प्रीपेड का जो सफ़र है, इट टुक मी 5 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन इन दोज 5 ईयर्स आई अंडरस्टूड कि क्या चीज़ कैसे, और वो जो ग्रेजुअल अपग्रेड था, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि ये गेम है क्या और इसको हैंडलिंग कैसे। अगर मैं पहले दिन से ए प्रीपेड में आ जाता तो आई कुड हैव बिकम हैज़र्ड फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल हाँ, वो इंसान क्योंकि आता है फिर उसके बाद वो उसके जो फेलियर के चांसेस है बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्टॉक कैटेगरी में आएंगे, सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे और विद टाइम सीखते रहेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Only on Park.